Jedlo. We give wheels to food. उद्घाटन के महज 5 दिन बाद ही चांदनगर की पानी की टंकी में हुए लीकेज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा की पानी समस्या दूर करने का दावा शहर की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लिए कई जगहों पर जो है नई पाइपलाइन का उद्घाटन, जो कि रिमॉडलिंग योजना का हिस्सा है, 212 करोड़ की योजना है। इसी में अलग से पानी की टंकियां बनाई जा रही है, 10 लाख लीटर की टंकियां, 20 लाख लीटर की टंकियां, ऐसी अलग अलग क्षमता वाली टंकियां बनाई जा रही है। ऐसी एक टंकी चांदनगर परिसर में अक्सर पानी की समस्या रहती है, जो निचला इलाका है, जैसे हॉल के पीछे का इलाका, अमीनाबाद का इलाका, कब्रस्तान से सटा हुआ अब नया उभरता हुआ नया बसता हुआ इलाका, गुलशन इकबाल चाल, धूम चाल, रूबी चाल, ये तमाम चाल के इलाके, यहाँ अक्सर पानी की किल्लत बनी रहती है। इसी को देखते हुए यहाँ पानी की टंकी बनाई गई थी और रविवार 14 फरवरी को इसका उद्घाटन कलमा मुमरा के विधायक तथा राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ के हाथों किया गया। मगर 19 फरवरी शुक्रवार के दिन इस टंकी के पास जब लोग पहुंचे तो इस टंकी में दो जगह से पानी लीकेज होता हुआ दिखाई दिया। एक जगह जहां पानी का एक पाइप आउटसोर्सिंग के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए लगाया गया है, पीवीसी का पाइप है, मगर उसका होल इतना बड़ा कर दिया है कि पाइप के अलावा होल ज्यादा बड़ा होने की वजह से वहां से भी पानी जाया हो रहा है। दूसरी तरफ दीवार में क्रैक आया है और क्रैक से पानी जाया हो रहा है, जिससे इस टंकी के काम पर, उसकी क्वालिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कहीं ये काम जो है वो लचर ढंग से तो नहीं किया गया है, इसमें इस्तेमाल की गई निर्माणाधीन सामग्री जो है वो घटिया तौर की तो नहीं इस्तेमाल की गई है, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उद्घाटन का दौर तो हो गया, मगर ये जो समस्या खड़ी हो गई है और ये जो सवाल खड़े हो गए हैं, उसको शहर की सत्ताधारी पार्टी और थाने मनपा प्रशासन कैसे निपटता है और इस पर क्या जवाब है?